रोहतास जिले के सूर्यपुरा के अग्रेड़ खुर्द गांव में एक घर से वन विभाग के अधिकारियों ने रेस्क्यू कर कोबरे के बड़े समूह को पकड़ा है। तो वहीं गांव के एक ही घर में 5 दर्जन से अधिक गेहूं सांप के समूह मिलने से पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना है, जिसे निकालने के लिए जिले के 3 अनुमंडल के वन विभाग के रेस्क्यू टीम और स्नेक स्नेचर को लगाया गया। दरअसल अग्रेड़ खुर्द गांव के कृपा नारायण पांडे के 2 मंजिला घर में परिजनों ने लगभग आधा दर्जन सांप घर में इधर उधर चलते देखा, जिससे परिजन भयभीत हो गए और भयभीत आसपास के ग्रामीणों को बुलाकर सांप को मार डाला। उसके बाद घर में और सांप दिखाई देने लगे, जिसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने करीब 2 दर्जन सांपों को मार दिया। ग्रामीणों ने घर की बड़ी संख्या में सांप मिलने की सूचना प्रशासन और वन विभाग को दी। सूचना पर 3 अनुमंडल के वन विभाग के दर्जनों रेस्क्यू टीम और स्नेक स्नेचर अमर गुप्ता रूपम कुमार के नेतृत्व में गांव में पहुंची, जहां उक्त घर से करीब 30 सांप को पकड़ने में कामयाबी मिली। वन विभाग के साथ सांप पकड़ने आए स्नेक स्नेचर अमर गुप्ता ने बताया कि घर के फर्श व दीवार के ईंट को तोड़कर करीब 30 सांपों को रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू टीम ने कहा है कि पकड़े गए कुल सांपों में से करीब 1 दर्जन सांप जख्मी हो गए, जिनका सासाराम में इलाज करने के बाद सभी को जंगल में छोड़ दिया जाएगा। कि नवरात्र तेल एक होता है, नवरात्र तेल, और उसको ले लीजिए 200 ग्राम लमसम उसको ले लीजिए, और 250 ग्राम लहसुन ले लीजिए, और आधा लीटर मीठी तेल ले लीजिए। ये तीनों के लहसुन को कूट करके उसका रस निकाल लीजिए सूती कपड़ा से। रस निकालने के बाद में उसको तीनों को मिला लीजिए, और मिलाने के बाद में सभी घर में छिड़काव कर दीजिए। उसका गंध से जो भी कीड़ा होगा सारे भाग जाएंगे। तो जिनके घर में भी शंका होगा, हाँ, ये कर सकते हैं, वो कर सकते, ये कर सकते हैं, हाँ। ऐसे भी वो कीटाणु नाशक है, कीटनाशक, हाँ। मिट्टी तत्व से मतलब जानते हैं कि मतलब मिट्टी तत्व जो कि कीड़े के लिए बहुत अच्छी है जी। अगर सांप पर भी पड़ जाए मिट्टी के तेल तो तेजाब के काम करता है उसके लिए। ऐसा अभी देखिए, जैसे कि हमारे ड्रामा सेंटर ससुराल में बहुत बढ़िया सर्विस है ससुराल में, और हमारे डेयरी में भी जो है कि सरकारी हॉस्पिटल में व्यवस्था है, ससुराल में भी है। और आप जिस इलाका में रहते हैं वहाँ पर ही आप पता कर लीजिए कि इस इलाका में कहाँ पर एंटी वेनम है। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ले सकते हैं, भी है सरकारी हॉस्पिटल में। तो आपको ये पहले सांप काटने से के बाद मत पता कीजिए। कुछ लोग को ऐसा भी गांव घर में होना चाहिए कि ये चीज को पता करना चाहिए कि किस हॉस्पिटल में एंटी वेनम मिलता है। सांप काटने के बाद कहा हम लोग जाए, कौन हॉस्पिटल में जाए, तो बच जाइए। तो ये चीज जानकारी रखना चाहिए गाँव घर में। तो बहुत लोग हैं कि मतलब सांप काटेगा तब हम देखेंगे, तो उस दौरान आप ये हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल दौड़िएगा, उतना में आपका जान जाने का संभावना रहेगा। और ये चीज़ के निश्चित आपको जानकारी है कि मतलब यहाँ जाने के बाद एंटी वेनम मिलेगा, तो आप वहाँ पर सुरक्षित जा सकते हैं। गृह स्वामी कृपा नारायण पांडे ने बताया है कि उक्त 2 मंजिला पर 1955 में बना था, जिसमें वो अपने पूरे परिवार के साथ घर में रहा करते हैं। रोहतास से मिथिलेश कुमार, पंजाब के स्टूडियो।